के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी और मोदी एक ही हैं। उन्होंने कहा कि 52 साल बाद भी एक अदद मकान उनके पास अपना नहीं है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि कैसे उनका अहंकार टूटा, लेकिन श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के मामले में राहुल ने प्रधानमंत्री को घेरा। राहुल ने कहा कि मोदी ने 10 से 15 लोगों के साथ मिलकर लाल चौक पर तिरंगा फहराया था, उनके साथ हजारों आम लोग थे। यानी कुल मिलाकर 2024 के वो तमाम मुद्दों को तराशे जा रहे हैं जिनकी धार पर लोकसभा के चुनाव होंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को टक्कर दे पाएंगे? क्या राहुल गांधी के नाम पर विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या भारत हमला किया? नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री को फर्क नहीं समझ आया। हमने हिंदुस्तान की भावना, इस झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी। आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। 3 दिनों के कांग्रेस के अधिवेशन में ना तो खुलकर 24 के चुनाव में गठबंधन पर बात हुई, ना तो किसी के चेहरे पर राय बनी, लेकिन राहुल गांधी के भाषण से साफ है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में मोदी सरकार पर हमला तेज करेगी और इसी दम पर लोकसभा की चुनावी रणनीति तय करेगी। इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? जब अंग्रेज हम पर राज करते थे क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? क्योंकि राहुल समेत पूरी पार्टी अडानी जैसे मुद्दे पर बीजेपी आरएसएस को घेर रहे हैं। जेपीसी जांच ना कराने को लेकर केंद्र पर हमला बोल रहे हैं। अडानी जी पे मैंने आक्रमण किया, मैंने कहा कि अडानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे? आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बनती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, सब जगह उनको फायदा मिलता है। श्रीलंका में एक व्यक्ति कहता है कि राजापाक्सा जी ने उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डालकर अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। राहुल की रणनीति से ये लगता है कि बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाकर वो कांग्रेस की सियासत को मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी उनके बयानों पर ही सवाल उठा रही है। कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी को मोदी सरकार में सुरक्षित माहौल का नतीजा बता रही है। इस जम्मू कश्मीर में पहले कोई तिरंगा नहीं लहराता था, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता देते थे। आर्टिकल 370 को छू के दिखाओ, तिरंगा को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के सहयोगी और उनके नेता देते थे। आज अगर लोगों ने तिरंगा अपने हाथ में उठाया हुआ है, अगर लाल चौक में तिरंगा है, इसके पीछे का कारण सुशासन जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है वह है। अधिवेशन के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने अपनी बात कही। उन्होंने भाषण में ईडी सीबीआई की कार्रवाइयों का जिक्र किया, इसके खिलाफ लड़ाई के लिए सभी के साथ आने का आह्वान किया। हमारे तमाम नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर इस सरकार ने दमन किया है। आज भी कल भी छत्तीसगढ़ में रेड लगवाए, एजेंसियों के द्वारा क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज भी हमारे नेता खड़े हैं।
देश के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए और एक मजबूत भविष्य के लिए हमें सबको इकट्ठे लड़ना है। महाधिवेशन के बाद अब कांग्रेस की नजर कर्नाटक, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे अहम चुनावों पर है, क्योंकि इनके नतीजे ही 24 का रास्ता साफ करेंगे। इन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन विपक्षी एकता के प्लान को सफल करेगी। सुप्रिया भारद्वाज के साथ मौसमी सिंह, रायपुर आज तक।